टाइगर को कभी इतने आराम से बैठा देखा है क्या? वो भी घंटों तक बिना कोई हरकत किए टाइगर दीवार पर यूं ही शांत पड़ा बैठा रहा। चारों तरफ भीड़ इतनी मानो कोई मेला लगा हो, लेकिन टाइगर बेपरवाह होकर अपनी धुन में मस्त है। न गुर्राना, न धारना, न किसी पर हमला। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की हैं, जहां देर रात अटकोना गांव में टाइगर ने एंट्री मारी थी। रात से लेकर सुबह तक टाइगर कभी आराम की नींद में सोया रहा तो कभी दीवार पे खड़े होकर अंगड़ाई लेता दिखा, कभी दीवार के सहारे फिर से लेट गया तो कभी दिन की धूप सेंकता हुआ नजर आया। लोगों की भीड़ को देखकर भी इसने कोई हरकत नहीं की, और तो और इसने वीडियो बना रहे लोगों को अलग अलग पोज भी दिए। आसपास मौजूद लोग भी मानो टाइगर से फ्रेंडली हो गए थे, वो भी दहशत से बेफिक्र होकर मोबाइल से वीडियो शूट करने में व्यस्त दिखे। आमतौर पर बाघ हिंसक नेचर का होता है, लेकिन पीलीभीत में उसकी ये हरकत समझ से परे थी। दरअसल ये बाघ रात के 2-3 बजे के आसपास गांव में घुसा, जिसके बाद ही स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी थी। संभावित खतरे को देखते हुए वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले रस्सी और जाल की मदद से बाघ की मौजूदगी के आसपास की जगह को सील कर दिया, ताकि ये किसी पर हमला न कर पाए। करीब 6 घंटे तक टाइगर इसी तरह इसी दीवार के सहारे यहीं पे पड़ा रहा। तक टाइगर शांति से दीवार पर बैठा रहा, फिर भी उसके हिंसक नेचर को देखते हुए टीम ने डॉक्टर की मदद से पहले इसे ट्रैंकुलाइज किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रैंकुलाइज करने के बाद ही टाइगर जमीन पर आ गया। फिर वन विभाग की टीम ने उसे कवर कर पिंजरे में डालने की कोशिश की। यहाँ टाइगर के साथ भागम भाग का खेल चलता रहा। वन विभाग की टीम उसे कपड़े की मदद से पकड़ने की कोशिश करती तो टाइगर उनसे दूर भाग जाता। काफी देर तक ये सब चलता रहा। आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे। हालांकि ट्रैंकुलाइज होने की वजह से टाइगर सही से चल फिर नहीं पा रहा था। वो बार बार उठने की कोशिश करता, लेकिन लड़खड़ा कर गिर जाता। किसी तरह से ऑपरेशन टाइगर में जुटी टीम ने देर की मशक्कत के बाद उसे पिंजरे में कैद किया। हमारा सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है कि इस बाघ को लोकलाइज करें। हमने अर्ली मॉर्निंग इस बाघ को लोकलाइज कर लिया था। हमारे यहाँ पे पीलीभीत की, माला की, हमारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की और पीलीभीत सामंजवान की टीम यहाँ पे आ चुकी थी। जैसे ही हमें लगा कि सिचुएशन नियंत्रण में है और बाघ सपोर्टिव है और क्राउड थोड़ी कंट्रोल में है, तब हमने जो उच्च अधिकारी से परमिशन ली और हमें ट्रैंकुलाइज की, जैसे परमिशन मिली उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज किया है। अब इसको सेफली यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये कहाँ छोड़ा जाएगा? इसको पहले हम परीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसकी जैसी कंडीशन होगी और जैसे हमें अनुमति मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पीलीभीत में एक बार फिर रिहायशी इलाके में टाइगर दिखा, रेस्क्यू भी हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी पीलीभीत के एक दूसरे गांव में बाघ को देखा गया था। कार में बैठकर लोगों ने बकायदा उसका वीडियो बनाया था। पिछली बार बाघ को पिपरिया संतोष गांव में देखा गया था। हालांकि इसमें बाघ शांत नहीं दिख रहा था, वो इधर उधर टहलता दिखा। ऐसे में यहाँ के लोग डर के साए में जीने को मजबूर होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार इन इलाकों में बाघ आता क्यों है? कहीं ये पास के जंगल से रास्ता भटक कर तो नहीं आया था? दरअसल जिस अटकोना गांव में टाइगर को देखा गया वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से महज 10 किलोमीटर दूर है। ऐसे में रास्ता भटकने के बाद टाइगर का आसपास के गांव में पहुंचना बेहद आसान हो जाता है। अब अगर बात पीलीभीत टाइगर रिजर्व की करें तो इसका कोर एरिया करीब 620 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें मानकों के हिसाब से 20 से 25 बाघ ही ठीक ढंग से रह सकते हैं। साल 2014 में इस टाइगर रिजर्व में 23 बाघ थे, जो 2018 में बढ़कर 65 हो गए। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 72 से भी ज्यादा बाघ हैं। ऐसे में मौजूदा क्षेत्र में इतने बाघों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं।
की वजह से भी इस तरह के जानवर शिकार की खोज में रिहायशी इलाकों का रुख कर लेते हैं। जंगल में अतिक्रमण एक और समस्या है। जंगलों की कटाई भी इसके लिए बड़ी वजह मानी जाती है। अक्सर जंगली इलाकों में शांति होती है, लेकिन आधुनिकीकरण की वजह से सफारी और कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जंगली जानवर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कई बार वन विभाग कर्मचारियों की संख्या से जरूरी पेट्रोलिंग नहीं कर पाता और खतरनाक जानवर उनकी नजर से बचकर आबादी वाले इलाके की तरफ चले जाते हैं। देश में टाइपस्ती में ये बाघ पहुंच जाते हैं और इसके बाद हाहाकार मच जाता है, लेकिन सवाल यही कि बार बार जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों की तरफ ये क्यों पहुंच रहे हैं? क्या शिकार के लिए जो टाइगर हैं वो रिहायशी इलाकों में आते हैं? बहरहाल बार बार ऐसी घटनाओं के बाद वन विभाग देखे यहाँ पर किस तरीके से पीलीभीत की जो घटना है यहाँ पर काफी मुस्तैद नजर आया। दरअसल कई घंटों से इस बाघ को यहाँ घूमते हुए देखा जा रहा था, लोग दहशत में भी थे, लेकिन बाघ का बड़ा विचित्र और अलग स्वभाव यहाँ जरूर देखने को मिला, क्योंकि एक दीवार पर लगभग 5 घंटे तक ये बाघ बैठा रहा। यहाँ तक कि जब लोग कैमरे में फोटो खींच रहे थे तो अलग अलग पोज देता भी नजर आया। बहरहाल लोगों के मन में खौफ भी था, क्योंकि आदमखोर होने का डर जो है वो लोगों को सताता है। ऐसे में जब वन विभाग की टीम पहुंची, चारों तरफ से इसे घेर कर काफी मशक्कत किया गया, ट्रैंक्विलाइजेशन गन लाया जाता है, जिससे इस तरीके के जो तमाम जानवर हैं जो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं उन्हें ट्रैंक्विलाइज कर उन्हें बेहोश कर ले जाया जाता है और इसके बाद सेफ जोन में यानी कि इनका जो घर है जंगलों में इन्हें छोड़ा जाता है। और देखिए किस तरीके से ट्रैंक्विलाइज होने के बाद ये जो बाघ है वो अचानक बेहोश हो जाता है और फिर वन विभाग के कर्मचारी इसके मुंह पर काला कपड़ा लगाकर इसे एक तरीके के पिंजरे में कैद करके ले जाते हैं। लेकिन हमेशा इन बाघों को पिंजरों में नहीं रखा जाता है, इन्हें आसपास के जंगलों में खुला छोड़ दिया जाता है जो कि इनका घर है और उसी इलाके में ये खुल्लम खुल्ला घूम सकते हैं। लेकिन इस तरह की कई घटनाएं सामने आई जहां पर शिकार की तलाश में, पानी की तलाश में अक्सर भटकते हुए ये जो बाघ हैं रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। और पीलीभीत में इस बार इस तरीके की जो घटना देखने को मिली, इससे पहले लखनऊ हो या फिर मेरठ हो या फिर नोएडा तक में भी खबरें देखने को मिली थी जहां कहीं तेंदुए का खौफ तो कहीं बाघ का खौफ देखने को मिला। बहरहाल पीलीभीत में टाइगर जिंदा है लोग क्यों कह रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। काफी जद्दोजहद लोगों को इस बाघ को पकड़ने के लिए करना पड़ा और जैसे ही ट्रैंक्विलाइज हुआ इसकी जो गतिविधि है वो देखिए वो धीमी पड़ गई। बाघ ने भागने की कोशिश की, इसके ऊपर हरा कपड़ा डाला गया, उसमें से निकलकर आगे भागने की इसने कोशिश की, तब तक बेहोश होके नीचे गिर गया, फिर से हरा कपड़ा उस पर वन विभाग ने डाला, फिर उठकर भागने की बाघ ने कोशिश की, लेकिन तब तक वो पूरी तरह ट्रैंक्विलाइज हो चुका था। और चलिए अब रुख कुछ और खबरों का कर लेते हैं। जयपुर से इस वक्त